तो सबसे बड़ी समस्या है बाल करने की बाल दुबके जगह ने नहीं खा रहे मारा मत मेरे को मार गया ने मार देना अल्लाह को चलो पकड़ेंगे क्या बेटा हटा ले ओ चल बेटा रे बोरे ना पकड़ लो अम्मा मारता है हम इन्हें पकड़ के दूर जंगल में छोड़ते हैं क्या बजे काटा था उसको ही बताओ पहले 6 बजे में तो बच्चों को चली वाले क्या कही देखो ऐसा बच्चों को खत्म बहुत बड़ा दुख है हमें 7 बजे कॉल गई थी तुम्हारे यहाँ से रात नहीं सवेरे कॉल गई हम तो सुबह 7 बजे इसमें लेके नहीं जा रहे यही पहले अभी ताली बैठा ना इसको दूसरे उसमें रखना नेक्स्ट डे में कोई किसी को और काट कूट ले हाँ दूसरे थाला में ऐसा है क्या हमारे यहाँ जो है ना 200 जहरीले करीब 1200 हमारे क्षेत्र कोबरा कॉमन कराया काले रंग का सांप होता है जिसमें आड़ी आड़ी लाइन होती है वो रात में निकलता है मैं सोच रहा था कि रात में ब्लॉक बनाया तो कॉमन करा सुबह मैंने फोन करा था फोन हाँ ऐसी बात हो रही थी लगातार देखो ऐसा है अम्मा झाड़ फूक का दुनिया में कोई इलाज नहीं है जो जीव चला गया उसे कोई ना बचा सके पहली बात तो ये समझो आप अगर वैसे सांप होते ना 90% सांप बिना जहर वाले होते हैं ये जितने भी बाईगीर हैं झाड़ फूक वाले हैं टंट घंट वाले जितने भी हैं पूरी दुनिया में ये सब उन सांपों का इलाज कर रहे हैं जिनमें जहर है ही नहीं जिनको हम तुम में ऐसे ही हम पकड़ लेते हैं हमें काट भी लेते हैं ऐसे काट ले हमें जब उनमें जहर है ही ना तो फिर इलाज की क्या आवश्यकता है लेकिन हर आदमी के मन में ये है कि सब सांपन में थोड़ा बहुत जहर हुआ है और ये जहर उतारने हैं सबके दिमाग में ये है हमारे तुम्हारे में कि हर सांप में थोड़ा बहुत जहर हुआ है और ये जहर उतारने
जबकि उनमें जहर है ही ना। और जब ये सांप काट ले तो अपनी बाबाई के चक्कर में ये सही बात तो बताएंगे ना, या तो ये कह देंगे ना और कहीं कीड़ा ने काटा हुआ है, सांप को होते तो हम बचा लेते, क्या तुम लेट आए हो, क्या बंद खुल गए है। कुल मिला के अपने 1000-2000 रुपए के चक्कर में या अपनी बाबाई के चक्कर में आम आदमी ने बेवकूफ बना में गरीब आदमी ने, इनको और कोई मतलब ना है। दुनिया में कोई केस ऐसा देख लो कि जो आदमी खत्म है वो मैं दोबारा न जीवित, ये समझो दुर्गति करवाओ इन आईगिर बाईगिर के चक्कर में, ये दिन भर घाट में ये दुनिया भर की बेवकूफ बनाते रहेंगे। जितनी कहानी तुम सुनो वो बचो वहां वहां बचा दो के भाई गिरे से ले आए, ये सब कहानी है। अभी हकीकत में बात करो तो कितने भाई गिरे ने तुम बुला लो, सबरे भाग के जाएंगे यहाँ से, यौए देख के और मऊ देख के, क्योंकि उनकी दाल यहाँ तो गलेगी ना, बेवकूफ बनाना पाएंगे तुम्हें। इन्हें कोई फर्क ना पड़ रहा होगा तुम्हारे घर में मौत है गई है भाई बालक चलो गो है, उन्हें अपने चुपचाप 1000-2000 रुपए पूजा के नाम पे या के नाम पे टेंट घंट के नाम पे तुम पे लूट लेने, उन्हें तुम्हें धंधो ही वो है, उनको धंधो ही वो है, उन्हें वाद का मतलब ना है, उन्हें तो अपने वाद का मतलब है। जहरीलो सांप है भैया, कोबरा है या तो जहरीलो होगा, सांप इन सांप को पूछना है, कोई कछु ना कह सके, वैज्ञानिकों के अलावा कोई ना बता सके कि सांप है सांप है। पहली बात तो ये जोड़ा बना के नहीं रहते हैं, हम लोगों के दिमाग में ये है ना कि जोड़ा हुआ है नाग हुआ तो नागिन आ जाएगी, नागिन हुआ तो नाग आ जाएगा, ये जोड़ा बना के नहीं रहते, ये तो केवल अपने चूहा हुआ काटने के चक्कर में, चूहा हुआ खाने के चक्कर में घरों में घुसाते हैं। सब गाँव है, अब ये है कि देखो सैकड़ों केस होंगे और ये बाइक रिन पे ही बच जाए जाके, वो बिना जहर वालों सांप के सांप बन गए, और 1% ऐसा केस है जाए तो बिना दवाई के आदमी खत्म हो जाए। तो हमारा यही कहना है कि कबू सांप काट ले तो झाड़ भूख के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो और सीधे जाओ मेडिकल, 1 घंटे लगता तो 4-6 घंटा मिलते कम से कम। मैंने कितने बच्चे बच्चियों को ऐसे ही पैर में काट लो बालक जो है छेद है कमरा में और वही उंगलियां कर रही है बालक और काट लो एक दिन में, अब सूजन लाई कि भैया सांप ने काटा होगा कि चूहा ने काटा होगा, जब खोद के देखो तो सांप निकलो, बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में हम लेके गए मेडिकल में और बचे हैं बालक, बहुत सारे केस बच रहे हैं। ऐसा नहीं है मेडिकल में पूरा इलाज है लेकिन यदि नस बस में लग गो या वैसे या टाइम कम है जो भी मानो, लेकिन अम्मा झाड़ फूक का कोई इलाज ना है, कोई बाईगीर कोई झाड़ फूक वाला, मैं तो कह रहा कोई बाईगीर ये कह रहा होगा या के काटे बचा ले वो अपने वह कटवाएंगे यही हिसाब से और वो अपना इलाज कर ले। अब सोचो कि कभी कभार ऐसा होता है कि यही सांप झूठे को काट ले, जहर नहीं छोड़ता और इत्तेफाक से सैकड़ों लोग जा रहे हैं बाइक रेंट पे और कारे सांप को चलोगे और वो बुखार आऊंगे एक दो दिन में अपने आप ठीक है वो, तो लोगों में ये है जाए भाई 10-20 साल से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तो यही काम कर रहे हैं, उनके तो रोज लोग मर रहे हैं और रोज बिना जहर वाले जो सांप है वो जीवित हो गया, जीवित हो तो ठीक है बेवकूफ बन के आ रहा है। एक आम केस ऐसा जिसमें आदमी को ये विश्वास हो जाता है कि कारे सांप ने काटो रहेंगे बचा लो, ड्राई बाइट हो ये कोबरा कभी कभी ड्राई बाइट करता है, अब या तो उसे इतना खतरा महसूस हुआ या उसने चूहा हुआ समझा तब इसको इतनी जोर से काटा है, पैर रखो कछु है सके, नहीं तो कोबरा इतना जहर नहीं छोड़ता, इसको जहर भी ज्यादा छोड़ा है या तो वो चूहा हुआ समझ के इसका पैर फहराया होगा, चूहा हुआ समझ के उसने जोर से मारा है, नहीं अगर उसे इतना वो होता ना आदमी को काटता नहीं है, ये भी अपने बच के भागे, ये भी अपने बच के भागे। मैं वही तो बता रहा हूँ झाड़ भूख के चक्कर में अम्मा कछु मत पड़ो, जो है गो वो है गो, भगवान को नाम लो, क्या कर सके, जमीन पे सोना बंद कर दो, जमीन पे सोने वालों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं होती है, मैं तो यही सोच रहा था कि कॉमन करेक्ट की घटना होगी, कॉमन करेक्ट का जहर जो होता है वो गाढ़ा होता है, तो वो वहां में टाइम मिल जाए 5-7-8 घंटा को, हाँ लेकिन वो तेज होता है। अब ये है कि ये कोबरा की घटना नस में लग गया और टाइम नहीं मिल पाया, जहरीले तो हो गई है कोबरा करेक्ट में, बताइए दो ही सांप हमारे जहरीले बाकी सब बिना जहर वाले हैं, हाँ ये बाइक झाड़ फूक वाले सब उनके लिए बेवकूफ बना रहे हैं, जो कहते हैं कोई जहर ना है, वो हमें रोज काटे और लोगों को कटवा कटवा के और दिखाओ मैं देखो जहर ना है,
बिशकपुरिया में कोई जहर ना है, बिशकपुरिया काटू ले तो कोई ना मर सके। घोड़ा पछाड़ तुम्हारे यहाँ जो है 10 फुट तक लंबा हो जाता है, बिल्कुल झरना है, बिल्कुल झरना है, बिल्कुल झरना है। अब मैं बताता रहा हूँ कि गांव के सभी लोगों ने, गांव के क्या हर जगह है, कहीं भी चले जाओ, कई डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, पूरे भारत में कहीं चले जाओ, सब यही पता होगा, हर साल में जहर हुआ थोड़ा बहुत, जबकि ऐसा नहीं है। जिनमें जहर है उनमें है, और जिनमें नहीं है उनमें नहीं है, बिल्कुल ऐसा ना है कि जहर छोटे में जहर हुआ, बड़े में जहर ना, जब प्रजाति में जहर ना है, ना है। या करें था काम करवा जाओ, डरवा जाओ, सफाई करवा पूरी तरह से, तो अब का चुना है, अब का चुना है हमें, लेकिन यहाँ फिर भी डीडी वीडी पाउडर डलवा के और लिसाई वसाई करके मर जाओ यार, अब ना का चुना है, कोई भैया तो मत सोइयो, ठीक है।